हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड i प्लस 4j माइनस 5k इज। सो गिवन है हमें एक वेक्टर, इस वेक्टर को मान लेते हैं ए वेक्टर। दिस इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड अनदर वेक्टर बी वेक्टर इज गिवन विच इज आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। यहाँ पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब हमें फाइंड करना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट विच इज ए क्रॉस बी। सो इसको हम फाइंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में, जिसमें कि फर्स्ट रो में आ गए तीनों यूनिट वेक्टर्स, देन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, तो सेकेंड रो में हम ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे विच आर 2, -3 एंड 4। सो ये आ गए 2, -3 एंड 4। एंड बी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं 1, 4 एंड -5। अब यहाँ से सबसे पहली रो में से हम आई कैप ले लेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलता है ये दोनों का प्रोडक्ट 15, देन माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया 16। देन हम लेंगे माइनस जे कैप। अब जे की रो और जे का कॉलम छोड़ देंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा हमें -10, माइनस राइट टू लेफ्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा 4, देन प्लस के कैप। यहाँ से हम फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो पहले हमें लेफ्ट टू राइट प्रोडक्ट मिल जाता है 8, देन माइनस ऑफ -3, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है -3, तो ये आ जाएगा +3। तो ये आंसर मिला हमें माइनस आई कैप, देन दिस इज माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस विल बी प्लस 14 जे कैप प्लस 11 के कैप। तो ये मिल गया हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।